ज्योतिष ज्ञान चैनल के सदस्य बन अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष ज्ञान चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि अपलोड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अभिजीत शर्मा हमारे आपके हम सबके चैनल ज्योतिष ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म किसी भी वर्ष के मार्च महीने में हुआ हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मार्च महीने में जन्मे लोगों का आचार विचार व्यवहार स्वभाव शुभ दिन शुभ रंग विवाह योग व किस वर्ष में मिलती है इन्हें सफलता जो करियर को देती है एक श्रेष्ठ मुकाम। शास्त्र मत अनुसार जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी वर्ष के मार्च महीने में होता है यह लोग आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। साथ ही दिखने में साधारण व्यक्तित्व समाज परिवार में इनकी एक अलग पहचान बना देता है। इन्हें लोगों से मिलना जुलना बात करना अन्य लोगों से अधिक पसंद होता है या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं कि यह लोग बातूनी प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी बातूनी प्रवृत्ति के चलते ही इनके मित्रगणों की संख्या अच्छी खासी होती है। इनके शब्दकोश व बोलने की कला इन्हें महफिल की शान बना देती है। इन लोगों में तर्क क्षमता भी गजब की देखी जा सकती है। यह लोग दिखने में साधारण प्रवृत्ति के होते हैं किंतु स्वयं की कर्म दक्षता के दम पर समय समय पर अपने से जुड़े लोगों को चौंका देते हैं। घूमने फिरने के शौकीन अच्छा खाना अच्छा पहनना इनकी लाइफ का एक मुख्य पार्ट होता है। यह लोग किसी भी कार्य को पूर्ण विवेक व धैर्य के साथ सोच समझकर ही करते हैं। मार्च माह में जन्मे लोगों में देखे जाने वाली एक और विशेषता आप यह भी देख सकते हैं कि यह लोग भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास रखने वाले होते हैं और अधिकांश मार्च माह में जन्मे लोग भाग्य का सहारा ना लेकर स्वयं की मेहनत से जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करते हैं। यह लोग अपने जीवन में अच्छा खासा धन अर्जित तो करते हैं किंतु खर्चीली प्रवृत्ति के चलते सेविंग नहीं कर पाते। मस्त मौजी मिजाज होने के चलते यह लोग किसी भी एज के लोगों में आसानी से सेट हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि मार्च माह में जन्मे लोगों के अंदर हस्तकला का विशेष ज्ञान होता है और गॉड गिफ्टेड कला के कारण यह लोग समाज परिवार में प्रशंसा का पात्र बन जाते हैं। महिला हो या पुरुष, इन्हें सजने संवरने का काफ़ी शौक होता है और स्वयं के रखरखाव में ये लोग काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। तो मित्रों, यह तो बात हुई मार्च माह में जन्मे व्यक्तियों में पाई जाने वाली विशेषताओं की। आइए अब जान लेते हैं इनमें पाई जाने वाली कुछ कमियों के बारे में। यह लोग बातों के फ्लो में कई बार कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसका खामियाजा इन्हें जीवन में कई बार उठाना पड़ता है। अपनी मौज मस्ती को ज़्यादा प्रेफरेंस देने के चलते अधिकतम यह लोग स्वयं के लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। इन लोगों में पाई जाने वाली एक कमी यह भी पाई जाती है कि इधर की बात उधर उसमें भी खुद की तरफ से चार बातें जोड़कर करने में इन्हें बहुत मजा आता है। मौज मस्ती की पूरी प्रवृत्ति के चलते स्वयं के शरीर को आराम देने के लिए आलस्य की मात्रा भी इन लोगों में परिपूर्ण पाई जाती है। यार दोस्तों में स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए यह लोग अक्सर झूठ का सहारा भी लेते हुए पाए जाते हैं। मित्रों, यहाँ मैं आपको एक बात से और अवगत करा दूँ कि मार्च माह में जन्मे लोगों पर देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण आशीर्वाद होता है। ऐसे में मैं मार्च माह में जन्मे समस्त लोगों को कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग स्वयं की चंचलता पर थोड़ा कंट्रोल कर लें तो गुरु कृपा से सच में समाज परिवार में एक व्यक्ति विशेष की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। बात करें यदि लव लाइफ की तो प्यार के मामले में इन लोगों को लकी माना गया है। यह लोग जिसे प्यार करते हैं उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास कर अंततः उसे पा ही लेते हैं। लाइफ पार्टनर के रूप में भी इन्हें एक श्रेष्ठ जीवन साथी प्राप्त होता है। बात करें यदि इनके करियर की तो लेखन संगीत एक्टिंग उच्च तकनीक शिक्षा चिकित्सा वित्त व बैंकिंग सेक्टर में प्रयास करने पर इन्हें जल्द मिल जाती है सफलता। या यूँ कह सकते हैं कि बताए गए क्षेत्रों में यदि ये अपना भाग्य जमाते हैं तो जल्द देखने को मिलते हैं श्रेष्ठ परिणाम। बात करें यदि शुभ अंक की तो 3, 5, 7, 9 मार्च माह में जन्मे लोगों के लिए शुभ अंक मान्य है। शुभ रंग ग्रीन येलो और बेबी पिंक मान्य है। शुभ दिन रविवार सोमवार बुधवार व शुक्रवार मान्य है। तो आइए जान लेते हैं किन किन वर्षों में मिलती है इन्हें सफलता। तो मित्रों, सर्वप्रथम वर्ष जिसे शास्त्र मत अनुसार मार्च माह में जन्मे लोगों के लिए बताया गया है अति शुभ, वह वर्ष है 21वां वर्ष। द्वितीय वर्ष है 23वां वर्ष। तृतीय 26 और चौथा 31वां वर्ष और अंतिम वर्ष है 39वां वर्ष। बताए गए वर्षों का सदुपयोग कर आप दे सकते हैं अपने करियर को एक श्रेष्ठ मुकाम। कल इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे अप्रैल माह में जन्मे जातकों के बारे में। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल ऐसी एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।